शगुन बहुरिया, ये यहाँ की पीढ़ियों दर पुरानी रस्म है। जब भी घर की बहू कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है तो मंदिर में दिए जलाती है, और ये दिए तब तक जलते रहते हैं जब तक घर की रोशनी, घर की बहू घर वापस ना आ जाए। तूफान आ गया मची, तूफान, सारे दिए बुझ जाएंगे। दरवाजे खिड़की बंद करो वरना दिए बुझ जाएंगे। दिए बचाओ। अरे घर के सारे नौकर कहाँ हैं, मर गए क्या? दरवाजा बंद करो मोहन। अम्मा जी, ये तो ठीक नहीं हुआ, शगुन हो गया अम्मा जी। कनिका, लो शुरू हो गया इनका अपशगुन का नाटक। कान्हा, ये दिए। दादी, दादी। तब हवा में बुरा सोचोगे। अरे इतनी तेज हवा चल रही है, दिए तो बुझ नहीं थे ना। सब ठीक हो जाएगा। मैं चला दूँ। भाई साहब, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या गम है जो छुपा रहे हैं? गम के दिन हो गए खत्म, अब आएगी खुशियों की बहार। अच्छा जी, उन्हें तो हनीमून पर भेज दिया, हमारी किस बात की खुशी? उनके ऊपर जाने की। साफ साफ बताएंगे। चलो दिखाई देते हैं। शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करवा दिया है मैंने, जो ठीक आधे घंटे में फट जाएगा। हनीमून कपल की गाड़ी में हमने बम्बा फिट कर दिया है, जो बस अब आधे घंटे में फट जाएगा। शुभ और शगुन का हो जाएगा अब शगुन। थोड़ा आराम से चलाइए ना प्लीज, इतनी क्या जल्दी है? देखिए बेकार में रिस्क ले रहे हैं, एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं। अजीब इंसान है, धीरे चलाने को बोल रही हूँ तो तेज चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाना भी तुम सिखाओगी मुझे? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज ईगो पे क्यों ले लेते हैं आप? टाइम नहीं है मेरे पास, और जब मैं तेज चला के जल्दी पहुंच सकता हूँ तो मैं धीरे क्यों चलाऊं?
बस एक बार उस रिजॉर्ट में पहुंच जाऊं, फिर तुम अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। एग्जैक्टली मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ जाने का। अगर शौक नहीं था तो चली क्यों नहीं गई? चली जाती तो कम से कम मेरी दादी फिनाइल तो नहीं पीती ना। एक मिनट, क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना है। गाड़ी रोकिए। मैंने कहा गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। ए, क्या कर रही हो तुम? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। देखो फालतू में मेरा दिमाग खराब मत करो। वापस तुम जा नहीं सकती और तुम्हारी वजह से दादी को और तो पहुंचने नहीं दूंगा मैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि दादी ने फिनाइल मेरी वजह से पी? तो और किसकी वजह से पी? आपकी वजह से पी, क्योंकि आपने उसे सच कहा। अभी अपना ब्लेम मेरे ऊपर मत डालिए। देखो फालतू बहस मत करो, वापस चलो बैठो। मुझे नहीं बैठना। नहीं जाओगी? नहीं। तो मत जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि इस बार अगर मेरी दादी की तबीयत खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अच्छा तो अब अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आए और रिजॉर्ट में आने का मन करे तो खुद आ जाना। बदतमीज इंसान है, सॉरी बोलने की जगह जंगल में छोड़ के चले गए। बम बड़े जल्दी अपर ठिकाने आ गए। नहीं रोकूंगा गाड़ी, आप पैदल। सॉरी मैम, मैं उठा देता हूँ। सॉरी माय फुट, इडियट। तुम्हारे पूरे साल की सैलरी से बिना एक्सपेंसिव है मेरी वैनिटी। और जब काम करना आता नहीं तो फिर करते क्यों? लेकिन लोग देख रहे हैं। बदतमीज कहीं के। नव्या, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मैनेजर को बुला कर लाओ। मेरी बात सुनो। नहीं युग, ये लोग ऐसे ही समझते हैं। ऐसी बदतमीज लड़की है। जाओ। इंसान पैसों से गरीब होता है लेकिन इज्जत सबकी होती है। और तुम्हारी वैनिटी बिल्कुल ठीक है, देखो तो सही, तुम खाली इस बेचारे पे चिल्ला रही हो। तो अब इस दो कौड़ी के नौकर के लिए तुम मुझसे लड़ाई करोगे? लाइक सीरियसली यो? नव्या मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा रहा हूँ। चलो सॉरी बोलो। अच्छा तो एक गरीब दूसरे गरीब से रिलेट कर पा रहा है? क्या बोला तुमने? तुम इसमें खुद को देख रहे हो ना? कभी तुम भी तो यहीं पर थे ना युग? तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है ना युग? मैं इससे सॉरी नहीं बोलूंगी। बदतमीज। हे पापा कुछ तो कीजिए, कहाँ जाऊं मैं? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? वो जो आगे गाड़ी जा रही है उसमें कौन है? उस गाड़ी में वो मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है उनकी गाड़ी में बम लगा हुआ है। प्लीज मुझे आगे तक ले चलिए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बैठो बैठो। भैया सीधा चलिए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी तक। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। वो रही गाड़ी, वो है उनकी गाड़ी। जल्दी चलाइए प्लीज।
एहसास हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगे सब वैसा होगा। मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा।